शील के सीरीज में दो एपिसोड पहले डेयर डेविल को टीज करने के बाद फाइनली इस एपिसोड में भी हमें डेयर डेविल नहीं देखने को मिला। शील का एपिसोड 7 यानी कि दी रिट्रीट आ चुका है, जिसका राइटिंग मुझे बाकी एपिसोड्स के मुकाबले क्यों पता नहीं अच्छा लगा, क्योंकि इसका राइटर अलग था। और अभी मैं समझ चुका हूँ मार्वल ने शील का सीरीज असल में बनाया क्यों है। इसका मेन रीजन यही है, बाकी कैरेक्टरों से मेन कैरेक्टर्स के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए शील को एमसीयू में यूज किया जाएगा। तुम ये ऐसे पकड़ सकते हो, कोई भी मिशन वगैरह में किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को चाहिए होगा तो शील उनको इजीली बुला के लाएगी, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इस एपिसोड में अपेयर होने वाले चार नए नमूने यानी कि मैन बुल, एलगुला, पॉक्यूपाइन मैन एंड सेरेसन के साथ हमारे डिफेंडर्स यानी कि डेयर डेविल, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज और तो और पनिशर के साथ इन लोगों का क्या कनेक्शन है। नेक्स्ट है अबोमिनेशन के मेडिटेशन सेंटर पे हमें कौन से इंडियन गॉड्स का फोटोज और रेफरेंस देखने को मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो के एंड में हम लोग जॉस के कैरेक्टर के चेहरे से पर्दा हटाने वाले हैं। सबसे पहले शील के एपिसोड 7 में हमें जो चार जो नए नमूने से इंट्रोड्यूस किया गया है यानी कि मैन बुल, एलगुला, पॉक्यूपाइन मैन एंड सेरेसन के साथ हमारे डिफेंडर्स यानी कि डेयर डेविल, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज और तो और पनिशर के साथ इन लोगों का क्या कनेक्शन है। तो सारे नमूने के ऊपर एक एक करके आते हैं। सबसे पहले मैन बुल, तो मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से विलियम बिलनेसन एक लड़का था और वो एक बार एक एक्सपेरिमेंटल सीरम की वजह से ह्यूमनॉइड बुल में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो सबसे पहले डेयर डेविल के कॉमिक्स में विलन के तौर पे अपीयर हुआ था। तो नेक्स्ट है एलगुला, मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से ये एक म्यूटेंट है और ये अपने शरीर के अंदर बिजली तैयार कर सकता है, जो बिजली को वो अपने स्वॉर्ड जैसे चीजों से फेंक सकता है। और ऐसे सेम टू सेम चीज हमने शील के एपिसोड में भी देखा और ये सबसे पहले ल्यूक केज एंड आयरन फिस्ट के कॉमिक्स में विलन के तौर पे अपीयर हुआ था। नेक्स्ट है पॉक्यूपाइन, वेल इस एपिसोड में उन्होंने क्लियरली ये पता नहीं है कौन सा पॉक्यूपाइन का वर्सन है, लेकिन फिर भी पॉक्यूपाइन के पास कुछ पावर्स नहीं है, लेकिन उसके सूट की वजह से वो कांटा फेंक सकता है और वो सबसे पहले अपीयर हुआ था एंटमैन एंड द वॉस्प के कॉमिक्स में। नेक्स्ट है सरेसन, ये कॉमिक्स में एक मर्सनरी और असैसिन है और ये खास करके पनिशर का जानी दुश्मन है, लेकिन यहाँ पे एमसीयू में इसको चेंज कर दिया गया है और इसको बना दिया गया है वैम्पायर। इसका मतलब ब्लेड, कहाँ हो तुम। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। जब अवोमिनेशन के मेडिटेशन सेंटर पे दी वॉकिंग क्रू का लीडर आता है तो शील के साथ उसका एक पंगा हो जाता है और फिर हमें एक आर्ग्यूमेंट देखने मिलता है। उस आर्ग्यूमेंट के समय हम वहाँ पे देख पाते हैं वहाँ पे बहुत जगह बुद्धा का मूर्ति रखा हुआ है और दीवार में ओम का सिंबल बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी और दो इंडियन गॉड्स का वहाँ पे फोटो लगा हुआ था, सबसे पहले भगवान गणेश का और माता लक्ष्मी का। तो लास्ट टॉपिक, तो शील के सीरीज में ये जो जॉस नाम का कैरेक्टर है वो असल में है कौन। जेनिफर ने जॉस को पहली बार देखा था एपिसोड 6 में जेनिफर के दोस्त के वेडिंग में और मुझे तब से ये बंदा ठीक नहीं लग रहा था। जॉस जब जेनिफर को पहली बार मिला था तब से ही कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। वेल, तारीफ करना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा तारीफ करना भी अच्छी बात नहीं है। तो बंगाली में इस चीज को लेके बहुत अच्छा कहावत है कि अति भक्ति चोरे लक्षण, इसका मतलब ज्यादा भक्ति चोर का लक्षण होता है और वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये कुछ ज्यादा ही जेनिफर के पीछे पड़ गया था और इसने ही जेनिफर के पीछे छुरा घोंप दिया। तुम जो छुरे के बारे में सोच रहे हो वो छुरा नहीं है, मतलब धोखा दे दिया, नॉटी माइंड। और ऑफिशियली ये भी क्लियर हो गया यही हल्किंग है और यही इंटेलिजेंसिया के लिए भी काम कर रहा है। अगर तुम्हें हल्किंग और इंटेलिजेंसिया के बारे में नहीं पता तो तुम मेरे ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी दिया हुआ है, देख लेना। वेल, ये एपिसोड ठीक ठाक से थोड़ा अच्छा था। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।